फ्रेंड्स, मैं मोहित जैन और मेरे YouTube क्लास मैथ वाई मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा बच्चों की डिमांड थी कि सर टाइम चेंज करें, कि शाम के टाइम थोड़ा सा हमें दिक्कतें आती हैं, तो हमने टाइम चेंज कर दिया है और आपका टाइम 8 से 9 कर दिया है। तो 8 से 9 आप आराम से घर रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, सारे कामों से फ्री रहते हैं, तो आप आराम से क्लास ले पाएंगे, मैं जहाँ तक जानता हूँ। ठीक है, तो आपको इसलिए आपका थोड़ा कंफर्टेबल रखते हुए बच्चों को इसलिए 8 से 9 का टाइम किया गया है। ठीक है, अब तो आप पढ़ पाओगे आराम से, कोई परेशानी नहीं आ पाएगी। देखिए बच्चों, एडवांस मैथ में मैं आज आपको थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में इंट्रोडक्शन देने आया हूँ कि समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा बेसिक ज्ञान आपको जरूरी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का अगर बेसिक ज्ञान आपको पता है तो आप आराम से जैसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति में आपको फायदा मिलेगा, ज्योमेट्री में आपको फायदा मिलेगा, मेंसुरेशन में आपको फायदा मिलेगा, तो मतलब फायदा मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो हम सब डिस्कस करेंगे, सारे चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा, अभी मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं किया है, मैंने केवल ज्योमेट्री का छोटा सा पार्ट होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम जल्दी से जल्दी समकोण त्रिभुज और पूरा ज्योमेट्री भी स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज क्या होता है, बात आती है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो आप बोलोगे ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वह आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, मैं आपके डेफिनेशन लिखता हूं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। राइट, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, पहले आप क्या करेंगे, नाम है समकोण त्रिभुज, पहले हम समकोण बनाएंगे बच्चों। तो समकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो शायद मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे जानते हैं 90 डिग्री यही होता है। राइट, ऐसे ही बनाते हैं 90 डिग्री का कोण, इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, समकोण। अब बात आई है, हम समकोण नहीं, हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं, अगर इस बिंदु से इसको मिला दिया जाए तो ये क्या बन गया बच्चों, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया बच्चों, समकोण त्रिभुज। राइट, क्या परिभाषा बताई मैंने, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। राइट, इसका नाम है, त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने ABC, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो, PQR, ABC, KLM, MNO, कुछ भी नाम, XYZ, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आपको मैंने जैसे थोड़ा सा त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब के मैं बारे में जब बताया था, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये त्रिभुज के क्या कहलाते हैं बच्चों, शीर्ष। क्या कहलाते हैं बच्चों, शीर्ष। और ये त्रिभुज के क्या होते हैं बच्चों, कोण। क्या होते हैं बच्चों, कोण। ठीक है, ये कोण होते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं कि बच्चों ये कोण थीटा है, ये कोण कितना है, थीटा है, तो आपका आपसे पूछूं कि बच्चों ये वाला कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे बच्चों 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा, 90 ही होगा। अब एक को मैंने थीटा मान लिया, तो दूसरा कितना बचा, 90 माइनस थीटा। राइट, हाँ ठीक है, ये छोटी छोटी सी बात है, हम छोटे से बड़े लेवल पे जाएंगे समकोण त्रिभुज के, बट पहले हम छोटा लेवल तो जाने। अब देखिए बच्चों, अब समकोण त्रिभुज में मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूं, इसमें ये होता है आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका 90 डिग्री होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब आपको पता होगा इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो आपको पता होगा सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, BC, तो ये आपकी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बच्चों कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण नाम दिया गया। क्या नाम दिया बच्चों, कर्ण दे दिया। ठीक है, अब एक काम किया हमने, इसको मैंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, थीटा। ये कुछ तो कोण होगा ही, कुछ ना कुछ तो कोण होगा ही, तो कोण को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। थीटा का मतलब कोण होता है। तो जैसा हम इस कोण को कुछ भी माने, इससे अच्छा तो हम थीटा मान लें। ठीक है, एक्स मानते हैं, जैसे अपन कोई भी सवाल करते हैं कि माना क्रम मूल्य एक्स है, वाई है, सो है, जेड है, तो कुछ मानते हैं। तो मैंने मान लिया ये वाला कोण कितना है, थीटा है। ठीक है,
कीटा कुछ भी नहीं होता बच्चों, कौन होता है इसकी भी मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो बताऊंगा कि जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, जल्द ही आपकी त्रिकोणमिति आने वाली है, टेंशन ना ले आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है, थीटा के जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो आपकी कहलाती है बच्चों लंब। क्या कहलाती है? लंब। और बाकी बची हुई भुजा, बाकी बची हुई भुजा आपकी कहलाएगी बच्चों आधार। क्या कहलाती है बच्चों? आधार, ठीक है, राइट। अब मैं कोई बात समझा देता हूं आपको। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, ये ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है, राइट। मान लीजिए आपका थीटा बी नहीं, देखो यहां पर मैंने बी को क्या माना, थीटा। अब की बार मैं एक काम करूं, सी को मानो थीटा। अब आपसे मैं पूछूं कि लंब आधार कर्ण कौन से होंगे, तो आप वही बात बोलोगे, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो आप बोलोगे ए बी बड़ी है, ए सी बड़ी है, बी सी बड़ी है, तो आप बोलोगे बी सी बड़ी है, तो आपकी ये सबसे बड़ी भुजा तो क्या कहलाएगी बच्चों? कर्ण, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। किसके सामने वाली? थीटा के। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये आपकी भुजा होगी लंब। और लास्ट में जो आपकी भुजा बच गई, लास्ट में आपकी जो भुजा बच गई वो बच्चों होती है आधार। क्या होती है बच्चों? आधार, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं लंब आधार कर्ण बोलते हैं, तो वो कौन सी होती हैं? तो कई बच्चों को नहीं पता, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में इसका अच्छा रोल है कि लंब किसको लेना है, आधार किसको लेना है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा होती है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है बच्चों? कर्ण होती है, वो फिक्स होती है। सबसे बड़ी भुजा आपकी ये टेढ़ी सी दिख रही होगी, आप ये आपकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, राइट। और लंब और आधार क्या होते हैं? लंब आधार थीटा पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? थीटा पर। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और बाकी बची भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, राइट। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, बाकी बची भुजा आधार। ध्यान रखें बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये थीटा था तो इसको लंब मान लिया, और यहां पर ये थीटा है तो इसको लंब मान लिया, ठीक है। बाकी बची भुजा लास्ट में जो बचेगी वो आधार हो जाएगी, ठीक है। अब आप सभी ने पढ़ा है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस नाम से चर्चित है, आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय। वैसा मैं आपको बता देता हूं, इसका बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय नाम से भी जानते हैं इसको, बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, बोधायन, बोधायन प्रमेय। अब बोधायन क्यों बोलते हैं भाई, जब पाइथागोरस बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बोधायन ने बनाई थी बोधायन ने थी, लेकिन जब हाईलाइट जो की वो किसने करी? पाइथागोरस ने करी थी, इसलिए ये पाइथागोरस का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो बनाया बोधायन ने था। इसके बाद में थोड़ा है, आप 10वीं क्लास के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में मिल जाएगा, 10वीं क्लास की कोई भी या 9th क्लास की, जिसमें समकोण त्रिभुज के बारे में दे रखा है, उसके अंदर आप पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है ये बात है, क्लियर दे रखी है कि बोधायन ने बनाई थी प्रमेय, लेकिन फेमस पाइथागोरस की वजह से भी इसे पाइथागोरस प्रमेय नाम से जानते हैं, राइट। जैसे कोई बात है, कोई बात मैंने बनाई लेकिन फेमस किसी और ने कर दी, ये सामने हमारे सब खड़े हैं, उन्होंने कर दी, तो उन्होंने कर दी तो उनका नाम होगा, सब लोग तो जाने कि यार उन्होंने बनाई, बस ऐसा ही कुछ सीन हुआ था। अब आगे चलते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपने जो पाइथागोरस है या जो बोधायन था उसने तीनों भुजाओं में एक रिलेशन निकाला था, संबंध निकाला था, किसकी में? समकोण त्रिभुज की में। तो उसने क्या निकाला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसके बराबर होता है बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है तो वो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो वो त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टीज हो गई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, राइट। ठीक है बच्चों, कोई भी परेशानी आ रही है तो आप बता सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, राइट, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे कर्ण को हम के भी बोल सकते हैं, के स्क्वायर, लंब को बोल सकते हैं एल स्क्वायर, और आधार को बोल सकते हैं ए स्क्वायर, राइट। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है।
अब देखो बच्चों, अब समकोण त्रिभुज के अंदर एक बात आती है, आपने सुना होगा जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, ट्रिपलेट बनाना, ट्रिपलेट बनाना। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट ये बहुत बड़ा फेमस है। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट ठीक है, देखिए ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट मैं आपको बता देता हूँ, तीन भुजाओं से मिलकर एक जोड़ा बनता है, उसको हम ट्रिपलेट बोल देते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं का एक जोड़ा होता है, उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। और जो तीन भुजाएं होती हैं, वो जो तीन भुजाएं होती हैं, वो समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करती है, निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है? समकोण त्रिभुज को निरूपित करती है। दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, जैसे एक्स वाई और जेड, ये तीन भुजाएं हैं। ये तीनों भुजाएं एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज को निरूपित करती हैं, समकोण त्रिभुज को निरूपित करती हैं। ओके, वही है ट्रिपलेट और कुछ नहीं होता ट्रिपलेट। कि भाई समकोण त्रिभुज की कोई भी तीन भुजाएं हैं, उनको हम ट्रिपलेट बोल सकते हैं। अब देखिए, अब आपको सिखाया जाता है ट्रिपलेट बनाना, कि ट्रिपलेट बनाना, कि भाई ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है। आप बोर्ड पे ध्यान रखें, आज की क्लास आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसी पर ही है कि ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो बोर्ड पे ध्यान। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है। देखो इसके अंदर दो बातें होती हैं, ट्रिपलेट दो तरीके से, एक तो सम संख्या से और एक बनाई जाती है विषम संख्या से। एक तो सम संख्या से बनाई जाएगी और एक विषम संख्या से बनाई जाएगी। ठीक है, पहले तो देखिए दोबारा, जो बच्चा अभी जुड़ा है उसको बता देता हूं, ट्रिपलेट कुछ भी नहीं होता। ट्रिपलेट के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं का एक जोड़ा होता है, और वो तीन भुजाओं का जो जोड़ा होता है, वो तीन भुजाएं किसको निरूपित करती है? तो आप बोलोगे सर समकोण त्रिभुज को निरूपित करती है। किसको निरूपित करेगी? समकोण त्रिभुज को दर्शाएगी। राइट, अब देखिए मैंने कहा ट्रिपलेट दो तरीके से बनाई जाती है, एक तो सम संख्या का नियम होता है और एक विषम संख्या का नियम होता है। कि जब जब कोई विषम संख्या हो और एक सम संख्या हो। अब मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं, जब विषम संख्या हो, जब आपकी कोई क्या हो, विषम संख्या है, जैसे आपकी विषम संख्या होती है बच्चों तीन। क्या है बच्चों? तीन। अब अगर आपसे मैं कहूं कि ट्रिपलेट बनाइए तीन से, तीन से आप ट्रिपलेट बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे बच्चों? तो आप क्या करोगे, तीन है ना, ये विषम संख्या है, इसका पहले आप स्क्वायर करोगे। तो तीन का स्क्वायर कितना हुआ? आप बोलोगे सर नौ होता है तीन का स्क्वायर। राइट, अब तीन का स्क्वायर नौ हो गया, तो नौ के टुकड़े कर दीजिए, नौ के टुकड़े कीजिए, नौ के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनके बीच में अंतर एक हो, जिनके बीच में अंतर कितना हो? एक हो, जिनके बीच में अंतर एक हो। तो नौ के टुकड़े करें, तो मैंने एक तो कर दिया चार और एक कर दिया पांच। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? नौ का और पांच, और सॉरी एक का। पांच और चार जोड़ोगे तो कितना होगा बच्चों? नौ हो गया, कोई दिक्कत? तो टुकड़े कैसे करने जिनके बीच में अंतर एक का हो। राइट, तो नौ के टुकड़े कर लेना। अब बताओ मुझे समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या हुई? तो आप बोलोगे सर तीन चार और क्या हुई? पांच। तीन चार पांच बढ़ गई। तो हमने बताओ ये तीन चार पांच जो बनाई, ट्रिपलेट बनाई, ये ट्रिपलेट क्या है? तीन भुजाएं तो हैं, तीन चार पांच, और तीन चार पांच किस त्रिभुज की भुजाएं होती है? तो आप बोलोगे समकोण त्रिभुज की होती है। राइट, तो ट्रिपलेट बनाना आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि विषम संख्या से ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया अगली विषम संख्या पांच ले लू, तो पांच का पहले पांच का स्क्वायर कीजिए, तो आप बोलोगे सर 25 होता है पांच का स्क्वायर। क्या होता है? 25। अब 25 के दो टुकड़े कीजिए, 25 के दो टुकड़े कीजिए जिनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, जिनके बीच में अंतर एक होना चाहिए। तो कई कहते हैं कि सर तुम जल्दी से कैसे निकाल दो, आप हमें तो निकाल ही नहीं पाते। आप एक काम करो, इसमें दो का भाग दो, 25 में दो का भाग दोगे तो क्या आएगा बच्चों? 12 आएगा, पूरा पूरा 12.5 आएगा। आपको आधा नहीं लेना, पूरा पूरा लेना था, आपने ले लिया 12, ले लिया अगला में एक जोड़ देना बस, तो कितना होगा? 13। तो 13 और 12 कितने होते हैं? 25 हो गया। और इनके बीच में अंतर कितने का? एक का। तो भुजाएं क्या बनी बच्चों? 5 12 13, 5 12 13। ठीक है, राइट, कोई परेशानी हो तो बता दें, ठीक है, कमेंट कर दें। अभी अपन नियम ही पढ़ रहे हैं, रूल्स ही पढ़ रहे हैं।
अभी मैं आपको केवल विषम संख्या का बता रहा हूं, सम संख्या का भी नहीं बता रहा, ठीक है। अभी केवल किसका बता रहा हूं, जो विषम संख्या का, विषम संख्या से ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है, ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं कैसे बनाई जाती है। ओके, अब जैसे मैं अगली अगली विषम संख्या सात ले लूं, अब मैं तो सात का बता, तो सात का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 49 होता है, तो 49 को 49 के दो टुकड़े करें जिनके बीच में अंतर एक होना चाहिए, तो आप 49 के टुकड़े क्या करोगे, तो मैंने कहा ना दो का भाग दे लो, तो 49 में दो का भाग कितने हो जाएगा, तो दो दूनी चार और दो चौके आठ, तो एक तो 24 आ गया और अगले एक जोड़ दो इसमें तो 25। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या हुई, 7 24 25, कितने हुए 7 24 25। ओके, किसी को कोई भी कहीं से भी डाउट है ये कि भाई ट्रिपलेट क्यों बना रहे हैं, अच्छा क्यों बना रहे हैं, ये आपके मन में सवाल होगा ट्रिपलेट ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, मैं इसका जवाब दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दूंगा, एग्जांपल के साथ दूंगा कि आप एग्जांपल के साथ पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि नहीं हम ट्रिपलेट इसलिए पढ़ रहे हैं, यह है इसका फायदा। ओके, अगर मैं आपसे कहूं अगली विषम संख्या तो आप बोलोगे नौ, नौ बोलोगे, अब मैं कहूंगा नौ का स्क्वायर तो आप बोलोगे 81, 81 के दो टुकड़े कीजिए जिनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए एक होना चाहिए, तो 81 के टुकड़े क्या करोगे 40 और 41, ठीक है, दो का भाग दे लो 40 बढ़ जाएगा और एक जोड़ देना 41, तो आपकी समकोण त्रिभुज है 9 40 41। कोई किसी को परेशानी हो बिल्कुल आराम से बेफिक्र पूछ सकता है कहीं से भी कैसा भी किधर से भी। ओके, चले आगे, 9 से हम एक और भी बना सकते हैं, वो सब में मैं बताऊंगा आपको, अब थोड़ा सा सबर रखें, ठीक है, थोड़ा सबर रखें, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा एक एक करके। ओके बच्चों, चले आ गए, विषम संख्या अगर आ जाए तो विषम संख्या से ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है, तो आपको मैं जहां तक समझता हूं तो ये आ गया होगा, ठीक है, राइट, चले आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, आपने अभी जो बनाई थी विषम संख्या से, तो एक तो बनाई 3 4 5, यही बनाई थी, अगली कौन सी बनाई, तो आप बोलोगे सर 5 12 13, अगली पूछो तो 7 24 25, अगली पूछो तो 9 9 40 41, ठीक है, ऐसे आप 11 से भी बना सकते हो, तो 11 से बनाओगे तो 11 से बनाओ, 11 विषम संख्या है, 11 से बनाओ तो 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, 121 के दो टुकड़े कीजिए तो आप करोगे 60 और 61, राइट, जिनके बीच में अंतर एक होना चाहिए, मैंने आपको बताया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपकी किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, आप बोलोगे सर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, किसकी भुजाएं बच्चों, समकोण त्रिभुज की, राइट, किसकी भुजाएं बच्चों, समकोण त्रिभुज की है। अब एक और बात बता देता हूं मैं इसमें, अब याद रखना ये जोड़े, जैसे आपको याद है, अब इसको आपने 2 से गुणा कर दिया, किससे गुणा कर दिया बच्चों, 2 से, तो बताओ क्या आएगा 6 8 10, तो ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, ये भी किसको निरूपित करेंगी, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को। अब इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया तो 9 12 15, कर लीजिए 3 से, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो 9 12 15 भी समकोण त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं। ऐसे हम इसको 4 से गुणा कर सकते हैं, तो आप 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20, तो 12 16 20, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। अब इसको मैंने 5 से गुणा कर दिया तो क्या आएगा बच्चों, 15 20 25, तो ये भी किसकी भुजाएं बच्चों, समकोण त्रिभुज की है। ओके, कहीं से भी कोई भी डाउट आए आप बेफिक्र पूछें। अब जैसे आपको इसमें आपने इसको 2 से गुणा कर दिया तो बताओ बच्चों क्या आएगा, 5 2 10, 12 2 24 और 13 2 26, तो ये भी किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो आप बोलोगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, किसकी भुजाएं बच्चों, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। आज तो आवाज क्लियर आ रही होगी, आवाज साउंड तेज है या अभी भी धीरे है, क्लियर आ रही है आवाज, हाँ जी बच्चे क्लियर आ रही है आवाज, साउंड सही है, साउंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, चले आगे, दिख क्लियर रहा है ना आपको, कहीं भी कोई भी परेशानी हो, हाँ एक लाइट का स्पॉट आ रहा है मुझे पता है, इसकी आजकल में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आज थोड़ा हम बिजी थे,
आपकी मैंने द्विघात समीकरण है उसकी पीडीएफ बन चुकी है। द्विघात समीकरण मैंने पढ़ा दिया है पूरा। मैंने आपको और सवाल दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए द्विघात समीकरण के। अब आप कहोगे सर अब डाउनलोड कहाँ से करें, तो आपको जो द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण है ना आपका जो द्विघात समीकरण हमने वीडियो डाली है तो उसी के नीचे आपको पता होगा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है। कौन सा डिस्क्रिप्शन आता है उस पर आप क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी वो लिंक आपकी कल से एक्टिव हो जाएगी, कल से एक्टिव हो जाएगी। केवल आज आज का आपको सबर करना है। हम टेस्टिंग कर चुके हैं कि भाई आराम से आप डाउनलोड कर पाओगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर आप और एक और बात सुने, संग में आपको आंसर की भी मिल जाएगी, ऊपर तो आपको पीडीएफ मिलेगी। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो पेज खुलेगा, तो सबसे ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, फिर आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको आंसर की भी चाहिए कि सर आंसर की चाहिए, हम सॉल्व करेंगे तो आंसर की चाहिए, तो वो नीचे नीचे सबसे लास्ट में दी गई है, तो आप पूरा देख लें आपको लास्ट में मिल जाएगी आंसर की, ठीक है। वो दोनों एक साथ आपको मिल जाएगी उसी पेज पर। अच्छा एक बात, सेकेंड नंबर की थिंक सुनिए मेरी बात। जैसे अब कई बच्चे ये कहेंगे सर कि आपने हमें पढ़ा दिया द्विघात समीकरण और हम आपने हमें क्वेश्चन भी दे दिया, देखो कोई नए क्वेश्चन भी है उसमें, तो लगे सर हम तो सॉल्व नहीं होता क्या है, तो अपन एक दिन एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल के द्विघात समीकरण की पूरे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। मैंने उसमें लगभग आपको लगभग 50 या 60 के समथिंग क्वेश्चन दिए हैं, आप आराम से देखें सॉल्व करें घर बैठ के, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट कोई भी परेशानी हो आगे चलें। ये समझ में आ रहा है ये समकोण त्रिभुज की क्या बन रहे हैं अपन, भुजाएं पढ़ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज को निरूपित करने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं ट्रिपलेट। तो जैसा बोल रहा है आपने कई बार देसी भाषा में बोल देते हैं टिकट्टा, टिकट्टा बोल देते हैं है ना, तो टिकट्टा बोलते हैं कई बच्चे, मैंने सुना है उनसे है ना, कई बार सुना टिकट्टा पढ़ाएंगे गुरु जी आज, तो टिकट्टा, तो टिकट्टा वे गड्ढा नहीं हो ट्रिपलेट होता है। उसमें क्या होता है, तीन भुजा होती है, तीन भुजाओं का एक जोड़ा होता है जो किसको निरूपित करता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को। मतलब उसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। अब कर्ण क्या होती है, वो आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है ज्योमेट्री में, त्रिकोणमिति में। फिर आप ये कहोगे सर ये डायरेक्ट कैसे कर रहे हो, तो फिर मैं डायरेक्ट करूंगा, फिर आप ये बोलना नहीं कि सब कैसे किया, तो इसलिए आप इसको ढंग से पूरी वीडियो को ढंग से एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर कर लें। अब देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज में आपने विषम संख्या से ट्रिपलेट बनाना सीखा, ट्रिपलेट बनाना सीख लिया। अब मैं आपको अगला जो नेक्स्ट बताने वाला हूं वो सम संख्या से बताने वाला हूं। कौन सी संख्या से बच्चों, सम संख्या से। तो जैसे आपने सम संख्या ली बच्चों, जैसे आपने हमने सम संख्या ली 4, क्या ली बच्चों 4, ठीक है। तो 4 ली, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का आधा करो, सम संख्या का क्या करो आधा, तो 4 में आधा करेंगे तो 4 का आधा कितना होगा 2। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करके इसमें प्लस 1 कर दो माइनस 1 कर देंगे, तो बताओ 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गए 3। अब मुझे बता कौन कौन सी भुजाएं आई, तो आप बोलोगे 3 और 5, तो ये आ गई 3 और 5, और एक कौन सी थी आपकी, किससे बनाई आपने 4 से, तो 3 4 5। तो आप सर आपने पहले भी पढ़ लिया 3 4 5 कि 3 4 5 किस त्रिभुज की भुजाएं होती है, तो आप बोलोगे सर समकोण त्रिभुज की होती है। अब आगे बता रहा हूं, जैसे अगली सबसे क्या हमने 6 ले ली, तो सबसे पहले 6 का आधा करो, तो 6 का आधा 3 हुआ बच्चों, फिर 3 का हम स्क्वायर करके प्लस माइनस 1 कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से गए तो 8, तो भुजाएं कौन कौन सी हुई 6 8 और 10। समझ पा रहे होंगे आप, कोई भी परेशानी कहीं से कैसी भी दिक्कत हो पूछो, आपके पूछने का हक है, इसलिए मैं आया हूं। अगली सम संख्या 8 ले लें, 8 का सबसे पहले हम क्या करेंगे आधा, तो 8 का आधा बच्चों क्या होगा 4, फिर 4 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करके प्लस 1 और माइनस 1, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, और 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 15, तो बुझाएंगे कोई 8 15 17। तो आपसे कोई पूछे 8 15 17 किस त्रिभुज की भुजाएं, तो आप बोलोगे सर समकोण त्रिभुज की है, क्योंकि ये ट्रिपलेट का पालन कर रही है, ट्रिपलेट हम जो बना रहे हैं उस नियम का पालन कर रही है। अगर ऐसे भी नहीं पता लगे तो आप चेक कर सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, ओके।
ठीक है बच्चों, आप जैसे ये छोटी छोटी बातों को आप अलग से पढ़ रहे हैं, तो इसका रीजन है क्योंकि इनका मेन रोल है आपका एडवांस मैथ में समकोण त्रिभुज का, बहुत मेन रोल है। आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब आप पूरा पढ़ोगे ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, जब आप पूरा पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा समकोण त्रिभुज का वास्तव में ही बहुत बड़ा रोल था। हमने देखा ये बात, ठीक है? तो इसको आप ढंग से पढ़े, क्लियर पढ़े, तभी रीजन है मैं समकोण त्रिभुज को अलग से पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो मैं ज्योमेट्री में तो पढ़ाना ही है मुझे, ज्योमेट्री में आपको क्लियर करना ही था। ज्योमेट्री में भी इसकी 4-5 क्लास होती, 5-6 क्लास होंगी इसकी समकोण त्रिभुज की स्पेशली। इसके जितने भी सवाल है मैं आपको कराऊंगा, बताऊंगा कैसे शॉर्टकट बन सकते हैं समकोण त्रिभुज से। तो ये आप ट्रिपलेट पढ़ रहे हो ना, ये ट्रिपलेट आपका बहुत काम आने वाला है, आप सोच नहीं सकते इतना काम आने वाला है। ठीक है, जैसे आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो वहां हमारे यहाँ काम आने वाला है, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपका कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये 17 है, ये 17 है और ये 16 है, राइट? ये 17 है, ये 17 है और ये कितना है? 16। ये कौन सा त्रिभुज है बोलो? तो आप बोलोगे सर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं समान है। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, और नहीं समझाई तो आप देखना मैंने एक वीडियो डाली हुई है त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब में अंतर। एक वीडियो स्पेशल डाला है 15-17 मिनट का, जिसमें मैंने आपको समझाया कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, शीर्ष लंब क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों की समानता क्या होती है, सारी बातें बताई हैं और एकदम क्लियर तरीके से। पूरा वीडियो देखे, ढंग से देखे, आपको सब समझ में आएगा, पूरा देखना। अब आप डिफरेंस अंतर देख के गड़बड़ कर दिया, सक गया। अरे उसमें सिमिलरिटी भी तो पढ़ाई आगे, उसको तो देखो। तो आधा ज्ञान आपको पता होगा, आधा ज्ञान हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए भी, दूसरे के लिए भी, और अपने लिए भी, और अपने घर वालों के लिए भी, तो सबके लिए खतरनाक है आधा। तो आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको क्लियर होगा। देखिए ये दो भुजाएं समान है और ये भुजा अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु आप जानते होंगे जिसकी दो भुजाएं समान होती है। अब आपको मैंने बताया था जब आप यहां से माध्यिका खींचोगे और शीर्ष लंब खींचोगे तो आपको मैंने कहा था पहले अगल देखो फिर बगल देखो, क्या दोनों भुजाएं बराबर हैं? तो आप उनके साथ दोनों भुजाएं बराबर है तो माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही खींचेंगे, इसी को आप लंब बोलोगे, इसी को आप माध्यिका बोलोगे। अब जो माध्यिका होती है वो मध्य बिंदु को मिलाती है, किसको मिलाती है? मध्य बिंदु को मिलाती है। तो ये पूरी आपकी 16 है तो ये कितनी हुई? 8, और ये भी कितनी हुई? 8, राइट? अब ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये भुजा 17 है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी बच्चों? 15 होगी। कितनी होगी? 15 होगी। 15, 8 और 17 समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अभी बताइए जी, 15, 8, 17, इसी पे सवाल ले लिया मैंने। अब आपको क्या हुआ, अगर आपसे बोला कि भाई इसका क्षेत्रफल बता, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो सर क्षेत्रफल? अरे कोई बड़ी बात ही नहीं है, देखो हम इसका क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल कैसे निकालना है आपको पता होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मुझे बता पूरे का आधार कितना है? तो आप बोलोगे सर 16 है, और बोला मैंने बोला ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है? 15 है। अब आप आराम से सवाल कर सकते हो, 2 से कट गया 8 और 15 थे 120, राइट? कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल अपन जीरो लेवल से चल रहे हैं, छोटा छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है? तो अपने ये रोल करता है अपना। तो आपको मैंने बता दिया है कि ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है। अब ट्रिपलेट ये मत कहना सर ट्रिपलेट होता क्या है, अब मत पूछना बच्चों, कल ये मत पूछना सर ट्रिपलेट होता क्या है। तो ट्रिपलेट मैंने आपको बता दिया है, मैं 10 बार बता रहा हूं, ट्रिपलेट कुछ भी नहीं है, केवल 3 भुजाओं का जोड़ा है, 3 भुजाओं का जोड़ा है जो निरूपित करता है किसको? समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज को निरूपित करती है वो भुजाएं, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे, ये आपका पूरा आपका इसमें समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनाना मैंने सिखा दिया। अब लोग सर इसका समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट का हमें फायदा क्या मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो फायदा क्या मिलेगा, जैसे एक छोटा सा सवाल आया कि भाई कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 18, 24, 30 है। कितनी है? 18, 24, 30 है, ठीक है? थी है तो वह, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करो? क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके सवाल आया।
इसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 18, 24, 30 है, तो उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो बच्चों, आपको पता है ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं 18, 24, 30। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको बताया गया होगा कि हीरो का सूत्र लगा दें। किसका सूत्र लगा दें? हीरो का। अब देखो हीरो का सूत्र आप देखो ना, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो काफी लेंथी हो जाता है, काफी लेंथी हो जाता है। इसको यूज करेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा हमारा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब ये त्रिभुज की भुजाएं क्या है बताओ, 18, 24, 30, राइट, यही है। अब ये बताओ इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन, तो आप बोलोगे सर कॉमन 6 आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन? 6, 6 चौक 24, 6 3 18, 6 5 30, 6 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 3, 4, 5, ये बचा। अब आपको तुरंत दिमाग घूम जाना चाहिए आपका कि 3, 4, 5 किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आप बोलोगे 3, 4, 5 हम सबने पढ़ी है, किसकी भुजाएं होती हैं? समकोण त्रिभुज की होती हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको रट जाएंगे कि यार 3, 4, 5 किसकी भुजाएं हैं, और 3, 4, 5 बहुत काम आती हैं, तो आप टेंशन ना लें। तो 3, 4, 5 किस त्रिभुज की भुजाएं? तो आप बोलोगे आंख मीच के समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। किसकी है? समकोण त्रिभुज की। कैसे? क्योंकि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, मैं आपको बताया था ट्रिपलेट में, और इसको गुणा किससे कर रखा है? 6 से, बस यही तो काम कर रखा है। अब इसको आप समकोण त्रिभुज बनाओगे, एक को 18 लिखोगे, एक को 24 लिखोगे, सबसे बड़ी भुजक कर्ण यही होती है, इसको मैंने 30 लिख दिया, राइट। अब कहोगे सर ये 18 को नीचे क्यों नहीं लिखा, 24 को ऊपर क्यों नहीं लिखा? ये क्या है, तो जो पहली बार पढ़ते हैं ना एडवांस में, जिनको आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि सर ऐसा क्यों नहीं बनाया आपने डायग्राम, ऐसे कि इसको 24, इसको 18, इसको 30, ऐसे क्यों नहीं लिखा? अरे बच्चे हाँ, इसको ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले, एक ही बात है। कब एक ही बात है? जब तक हमें थीटा के बारे में नहीं कहा गया। अगर हमें थीटा दे देता तो हम थीटा के सामने वाली क्या लेते, लंब लेते, फिर हमारी मजबूरी हो जाती। ठीक है, तो यहां कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार हो गया, और ऊंचाई एकदम कैसी होती है, सीधी, जो कितना डिग्री का कोण आती है, 90 डिग्री का, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार 24, ऊंचाई 18, तो 2 से कट गया, ये कितनी बार, 9 बार, और 24 को 9 से गुना करोगे तो 24 9 में 216, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों, 216 आ जाएगा, राइट। आप कितने सेकंड में कर पाओगे सवाल को, 5 सेकंड में। ठीक है, लेकिन जब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ये पता लग जाता कि 18, 24, 30 किस त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, हमें पता कैसे लगेगा, क्योंकि हमने ट्रिपलेट पढ़ा है, इसे पता लगेगा, इसलिए हम ट्रिपलेट पढ़ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, तो अगर हमारे पास, अगर हमें पता नहीं लगता कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ता है, हीरो का। अब हीरो का सूत्र लिखने में ही, जब तक हम लिखते हैं ना, जितने देर में तो आंसर भी आ गया हमारा, वो बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, कई बच्चे वो महानुभाव होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, अपन से काफी बड़े होते हैं, महापुरुष होते हैं, पुरुष नहीं वो महापुरुष है। तो आप समझ रहे होंगे बात कि, ठीक है, तो अपने समकोण त्रिभुज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखें बात। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स एक बार देख लेता हूं कि किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है, अब पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे बातें कर लेता हूँ, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी, पढ़ाई तो करनी है अपने को, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, जब तक लाइव क्लास चल रही है, लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद कोचिंग चालू हो जाएगी, और फिर आपको शाम को लाइव क्लासे मिलती रहेंगी, 1 घंटा आपको शाम को लाइव क्लास मिलेगी, पूरी पूरी जो टाइम आपको दिया है वो टाइम का हम को फॉलो करते हुए आपको क्लास पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लाइव क्लास भी चलेगी लॉकडाउन खुलने के बाद। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि आवाज की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके, आवाज साउंड का कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम हो? टाइमिंग की भाई टाइमिंग गलत कर दिया सर आपने, सही है टाइमिंग, आप इस टाइम घर ही रहते हो, आराम से पढ़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको आराम से दिखाई दे रहा है ना क्लियर? हाँ बच्चे, रिप्लाई तो करें, मुझे जवाब दें, ताकि फिर मैं आने वाले आदेश सुधार कर पाऊं। ठीक है, देखिए आप समकोण त्रिभुज हमने थोड़ा बेसिक ज्ञान ले लिया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर होता है ना, कर्ण
कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लम होती है थीटा के सामने वाली, आधार होती है जो लास्ट में बच गई, तीनों में एक रिलेशन होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय में कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट बनाना, आपने सुना होगा ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट के बारे में बता दिया कि ट्रिपलेट कुछ भी नहीं होता, केवल तीन भुजाओं का एक जोड़ा होता है जो किसको निरूपित करता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को। किसको निरूपित करता है बच्चा? समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करता है, राइट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट हम पढ़ते हैं क्या होता है ये। ठीक है, मैंने ट्रिपलेट बनाना बता दिया, सम से अलग और विषम से अलग। ठीक है, अगर कुछ भी कोई थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट रह जाए तो वीडियो को रिवाइज कर लेना, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम समकोण त्रिभुज के बारे में कल और पढ़ेंगे डिटेल में, कल आपकी पूरा 1 घंटा क्लास होगी। ठीक है, जैसे 40 45 मिनट 50 मिनट, पूरा 1 घंटा लगभग हो जाएगी क्लास। आज की क्लास हम यही ऑफ कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, थोड़ा तबीयत डाउन है, इसलिए यही क्लास को ऑफ कर रहे हैं। कल से फिर आपकी 1 घंटा रेगुलर क्लास हो जाएगी। ओके बच्चों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।